कोटा में ईसीबी की बड़ी कार्रवाई, पीएचईडी दफ्तर में ईसीबी ने मारा छापा, दो कार्मिकों को ईसीबी ने रिश्वत लेते दबोचा है। ट्विटर लक्ष्मण सिंह और हेल्पर जोगेंद्र सेन को रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है, 1000 रुपए की घूस लेते ईसीबी ने दबोचा है। ईसीबी एएसपी ठाकुर चंद्रशील के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। मेरे सहयोगी नवीन मेरे साथ जुड़ चुके। नवीन, इस कार्रवाई को किस तरीके से अंजाम दिया गया? क्योंकि वाकई में लगातार ईसीबी को शिकायतें मिल रही थी कि जो पीएचडी विभाग में घोटाला किया जा रहा है। तो कुछ दिन पहले ईसीबी में परिवादी पहुंचा था और परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जो 54,000 रुपए का मेरे बिल आया था, मीटर की रीडिंग आई थी, उसे 6-7 हजार रुपए करने की एवज में मुझसे 15,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसमें जो फीटर है लक्ष्मण सिंह और हेल्पर है योगेंद्र सेन, इन दोनों को ईसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा नवीन, कितने की रिश्वत लेते इनको गिरफ्तार किया गया? देखिए विजेंद्र, 15,000 रुपए की इन्होंने रिश्वत की मांग की थी, आज 1,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ईसीबी ने गिरफ्तार कर लिया और 7,000 रुपए की रिश्वत बाद में देना तय हुआ था, तो दोनों को ईसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। मौके पर ईसीबी की कार्रवाई चल रही है, ईसीबी दोनों से आरोपी से पूछताछ कर रही है। विजेंद्र जी बिल्कुल नवीन, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और अब बात करते हैं